अभी जो नेक्स्ट सीरीज़ में बनाने वाला हूँ जो वीडियो, वो मेरी कार एक्सीडेंट के बारे में, जो मेरी पर्सनल कार थी मारुति वेगनार की, तो उसका जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, और जो क्लेम प्रोसेस हुआ उसमें मैंने क्या तकलीफ जो मैंने महसूस की, और आई व्हाट आई सफर्ड टू कंप्लीट द ऑल द प्रोसेस फ्रॉम एक्सीडेंट टू टिल द इंश्योरेंस कंपनी सेटल द क्लेम. So in for upcoming videos, stay connected with my channel. So I will let you know that how I gone through my car accident. So my next video is for my car accident stories. So if you want to know about that, if we are traveling through our personal car with our family, so we are very excited to travel by road. We feel very comfort in our own car. We will to enjoy the listening music while on going the road. We feel the air cooling comfortably, so we will fully enjoy in car. But in case while you are going to your destination, if anything happen to with your car, then समझ लो कि आपकी लग गई, कि आप कौन सी तकलीफ से गुजरोगे, क्या तकलीफ होगी, आप हैरान हो जाओगे अगर मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ. तो अगर आप जानना चाहते हो कि मेरे साथ क्या हुआ था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए. तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था और जो 3 महीने का जो प्रोसेसिंग पीरियड था वो मैंने किस तरह से निकाले हैं, और उसमें मैंने क्या फेस किया, और क्या चीज़ थी ऐसी जो मुझे जानने को मिली. जो शायद आप जो गाड़ी परचेस करते हो तो हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, गाड़ी का कलर देखते हैं, उसका सस्पेंशन देखते हैं, उसका एवरेज देख सकते हैं, उसका इंजन सीसी कितना है, उसका टॉर्क कितना है, उसमें बूट स्पेस कितना है, तो ये सब चीज़ देखते हैं. लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है जो मेरे साथ हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद क्या चीज़ कंपनी से जो नहीं बताई जाती, या आपको उसके बाद पता चलता है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो सारी चीज़ें जो है मेरी जो माई कार एक्सीडेंट स्टोरी है उसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा. अगर आपको उसके बारे में पता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा. अगर आपको नहीं पता है, अगर आप कुछ जानना चाहते हो, तो बेशक से आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं, तो उसके संबंधित मैं आपको बताऊँगा आप कहाँ जाके क्या इंक्वायरी कर सकते हैं. तो सारी जानकारी जो है मैंने खुद महसूस की है, या जो सफ़र मैंने किया है कार एक्सीडेंट के बाद में, वो सारी डिटेल मैं आपको मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसका सब्जेक्ट रहेगा माय कार एक्सीडेंट स्टोरी. तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ जुड़े रहिए. तो लेट अस सी इन अपकमिंग वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.